हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट विल बी द मैपिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आज के सेशन में हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्टिंग करने वाले हैं, लेकिन 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 उससे पहले एक चीज़ बता दें, कल एक पॉइंट था जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, और वो पॉइंट ये था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। आई थिंक मैंने वहाँ पे अटलांटिक ओशन बोल दिया था, दैट विल बी अंटार्कटिका। ठीक है, तो प्लीज़ अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपने लिखा हो वो, दैट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो हाँ, सो फिलहाल हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो पर्टिकुलर क्लास हो रहा है, जिसके अंदर बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि मैम वाओ, लेकिन ये क्लास जो है ना सिर्फ एक ही हफ्ते चलने वाला है, समझ गए। तो जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्लासेस को मिस कर रहे हैं, या फिर सोच के बैठे हुए हैं कि मैम विल रिपीट इट अगेन, सो प्लीज़ इस गलत फहमी से बाहर आ जाइएगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, तो ये क्लास आपका चल रहा है दोपहर में 2 बजे, और 10:30 बजे जो आपका क्लास चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट टू इन थ्योरी। मैम पता ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। सेकेंडली, आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे स्टैटिक जी के। अब आपके हर दिन जो स्टेट पहले ऐड हुआ करती थी, अब जब भी किसी स्टेट की कोई न्यूज़ आएगी, तो उस स्टेट का पर्टिकुलरली जो स्टैटिक का पार्ट है, वो आपके लिए इसके साथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपकी न्यूज़ एनालिसिस, मैपिंग एंड द जी के पार्ट, तीनों के तीनों एक साथ करेंट अफेयर्स के क्लास में। क्लास का समय क्या है, अभी भी अगर नहीं पता है तो भाई दिक्कत की बात है। क्लास का समय है 6:45 AM। नाउ क्लास के लिंक को एक बार इसे शेयर मार दीजिएगा एंड डू लाइक द सेशन। अब आते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ। देखो, अमेरिका में चलने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अंकल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्लास में आप जानते हैं हम लोग के डोनाल्ड ट्रंप अंकल आते ही हैं, तो एक बार इसे परमिशन दे दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप अंकल, तो हम लोग यहाँ पे ज़रा आते हैं और अमेरिका को घूम लेते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ कम्स टू द मैप। ऑल सेट, चला जाए फिर अमेरिका घूमने के लिए। वेल, जब हम अमेरिका बोलते हैं तो हमारे दिमाग में 3-4 नाम आते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हम अमेरिका बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि इक्वेटर के जो ऊपर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन भी मिलेगी, सेंट्रल अमेरिका की भी लोकेशन मिलेगी, और इसके साथ में जो साउथ अमेरिका है उसका भी थोड़ा सा पार्ट आपको इक्वेटर के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको समझनी है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम इस मैप को देखें, तो यहाँ पर आपको कनाडा नज़र आ रहा है, उसके नीचे USA है, उसके नीचे क्या है, मैक्सिको है, राइट। अब इन तीन के अलावा क्या कोई और यहाँ पे आपको कंट्री देखने को मिल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे यूजुअली अर्थक्वेक आते रहते हैं, सुनामी की कंडीशन बनती रहती है, ये पर्टिकुलर जगह जो है ये है अलास्का। अलास्का इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली चीज़ तो USA का पार्ट है, दूसरी चीज़ USA के टोटल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। ठीक है, और 50 स्टेट में से जो ये अलास्का वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, कनाडा और USA के बीच में यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलती है, जिसे बोला जाता है क्या, 49° पैलर के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिको से एक लाइन क्रॉस करते हुए जा रही है, और मैक्सिको से जो लाइन क्रॉस कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका जो है वो दो ओशियंस के बीच में है, एक तरफ आप देखेंगे पैसिफिक है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको अटलांटिक ओशियन की लोकेशन मिलेगी। ऊपर के साइड पे देखोगे तो आर्कटिक है, नीचे के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कैरेबियन सी की लोकेशन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम इस मैप को देखें, तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया है, ज़रा ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, काम आएगा आपके, कि अगर सपोज करो, देख रहे हो ये पेन ना, खैर सपोज करिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है डब्बा है, आई नो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, समझ लो, सपोज कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला अलास्का है, ये जो हिस्सा है दिस इज़ व्हाट, ये हो जाएगा कनाडा, कनाडा के नीचे मैंने आपको बोला USA, और USA के नीचे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, दिस इज मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको से लाइन क्रॉस कर रही है, जिसको मैंने बोला 23.5, दैट इज़ क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर हो जाएगा, कर्क रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर के साइड पे देखोगे यूएसए लिखा है और कनाडा और यूएसए के बीच में जो लाइन है वो है 49 डिग्री पैलर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें मैपिंग याद नहीं होती, तो मैपिंग याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब तक आप मैपिंग को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे, जब तक आप मैपिंग को यहाँ पे क्लियरली अपनी कॉपी में नहीं बनाओगे, तब तक मैपिंग याद भी नहीं होगी, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज अलास्का, ऊपर के साइड पे आर्कटिक, इधर के साइड पे पैसिफिक, इधर के साइड पे अटलांटिक ओशन, नीचे के साइड पे कैरेबियन सी। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी लोकेशन समझ में आनी चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। इसी में मैप में अभी आप यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पे आपको मिलेगा ग्रीनलैंड। ये ध्यान रखना कि जो ग्रीनलैंड है ये किसका हिस्सा है, ये डेनमार्क का पार्ट है। यहाँ पे जो डेनमार्क है वो रूल करता है, और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, नूक इसकी कैपिटल है। मैप में एक बार इसे वापस आके अभी देखते हैं और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जो एरिया देख रहे हो, दिस पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा था वो क्या था, दैट वॉज अ ग्रीनलैंड, फाइन। अब आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का क्लास है तो एक बार इसे जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ अमेरिका है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सारे कॉन्टिनेंट में से क्या है, थर्ड नंबर पे आता है, यानी कि एरिया के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है। सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करते हुए चलिएगा, तो फिर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आंसर मारो। अगला, इसकी जो डिस्कवरी है वो कब करी गई थी, यानी कि इसकी खोज जो करी गई थी वो 1492 में करी गई थी, यानी कि 1492 में करी गई थी, और ये किसने करी थी, कोलंबस के द्वारा करी गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया की जो खोज है वो किसके द्वारा करी गई, या फिर भारत ऐसे ही आ गया था, मतलब इंडिया इज लाइक, मतलब ऐसे ही आ रहे ये तो इंडिया है, ऐसा हुआ था क्या कुछ, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगला पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है इसे बोला जाता है द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। पता है ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिला था। पहले के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो उस समय पर टोटल 13 ऐसे स्टेट्स थे जिनको कैप्चर किया हुआ था ब्रिटेन ने, और धीरे धीरे करके जब फिलाडेल्फिया नाम की जो जगह थी वहाँ से धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, अमेरिकी क्रांति होती है, यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखने को आपको मिलता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, द कॉन्टिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सुनिएगा, इसके अगर हम चारों तरफ देखें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड। अगर हम इस पर्टिकुलर जगह की बात करें तो इसके आसपास आपको बहुत सारे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, है ना, तो आपने सुना होगा कई बार बोला जाता है कि जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं उनको हम कैरेबियन प्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप लोगों के फेवरेट क्रिस गेल, कितने लोगों के फेवरेट हैं, एंड स्पेशली उनके वो मैगी जैसे बाल। जब भी हम क्रिस गेल की बात करते हैं या फिर किसी और वेस्ट इंडीज प्लेयर की बात करते हैं, होल्डर की जब हम बात करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैरेबियन प्लेयर्स हैं वो। क्या बोलते हैं, कैरेबियन प्लेयर्स। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज मिलता है मैप में, उसी जगह पे कैरेबियन सी है। अभी आपको मैप में कैरेबियन सी दिखाया था, बिल्कुल वही वाली जगह क्या है, वेस्ट इंडीज की मिलेगी। अच्छा अगला पॉइंट, आपने हवाई नाम की जगह का नाम सुना हुआ है, हर दिन सुबह करंट अफेयर्स में हम आपको बताते हैं हवाई के अंदर आज ये वाला वॉल्केनो इरप्ट हो गया, हवाई के अंदर यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये जो हवाई नाम की जगह है ना, ये भी आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी, एंड ये पार्ट किसका है, यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी आगे एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्या, पैनामा कैनाल, लेकिन उसके ऊपर की साइड पे देखो लिखा हुआ है कैरेबियन सी, ठीक है। तो व्हेन वी से कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सी के एरिया में आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको पैनामा कैनाल देखने को मिलती है। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा और समझिएगा। जब हम पैनामा कैनाल की बात करते हैं तो पैनामा कैनाल को बनाया गया था 1914 में, और ये क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, जैसे कि सुएस कैनाल हम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये भी मिलेगा। अभी आप जान लो इसके बारे में, देखो पैनामा कैनाल जो है ये क्या करता है, किसको किसको आपस में जोड़ता है,
इट कनेक्ट साउथ अमेरिका थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि साउथ अमेरिका वाले एरिया को ये पनामा का जो लैंड मास है उसके साथ में तो जोड़ता है, लेकिन इसी के साथ में जब आप पनामा को मैप में लोकेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक तरफ कैरेबियन सी है, एक तरफ आपको पैसिफिक मिलेगा, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन? पनामा कैनाल। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला बोला जा रहा है कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द बेरिंग स्ट्रेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप मैप पे आओगे, एक बार इसे मैप पे वापस आओ, हाँ ये वाली लोकेशन देखो, ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ना, एक सेकेंड यार, हाँ ये वाली जो लोकेशन तुमको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बेरिंग स्ट्रेट की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट की लोकेशन है, क्योंकि उधर के साइड पे एशिया स्टार्ट हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी बेरिंग स्ट्रेट, और इसी जगह पे आपको बेरिंग सी की लोकेशन भी मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया बेरिंग सी, और यहीं पे जो स्ट्रेट है उसे हम क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चलो आज आप जरा आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ये वाली स्लाइड जो दिखाई है ना अभी, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। अच्छा अब देखो क्या है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अभी मैंने आपको बताया कि यूएसए और कनाडा के बीच में ये वाली लाइन आपको मिलेगी। सवाल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सी वाली लाइन देखने को मिलती है? कमेंट बॉक्स में छापो। अगला सवाल, इस पर्टिकुलर एरिया में जो आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से 5 इम्पॉर्टेंट लेक हैं, और इनको मिला के बोला जाता है ग्रेट लेक्स। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई हुई है कि ये जो लेक्स हैं इसको हम शॉर्ट में होम्स के नाम से पढ़ते हैं। होम्स में कौन कौन आ जाएगा? हॉरन आ जाएगा, ऑन्टेरियो है, मिचिगन है, एरी है, एंड लेक सुपीरियर है। ये पांचों के पांचों मिला के क्या कहलाते हैं? ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना इनको जाएगा। आगे यहाँ पर आपको एक रिवर भी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस रिवर। अच्छा अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये यूएसए और कनाडा के बीच में लोकेटेड है। कैसे मैम? समझ नहीं आया, आ जाओ जरा मैप दिखाते हैं आपको। मैप पे आओगे, कहाँ गया भाई मैप? ये रहा है ना। अब इस मैप में जरा ध्यान से देखिएगा, इस मैप में जब आप देखोगे तो ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये क्या है? ये है ग्रेट लेक्स, और इस जगह पे आपको पांचों लेक देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार पेपर के अंदर, वैसे आपको अभी आगे लेक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बट अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन है तो बता तो दें कि ये जो पांचों लेक हैं इसमें से एक लेक ऐसा है जो कम्प्लीटली यूएसए के अंदर आता है, और बाकी के जो 4 लेक हैं उनका एरिया कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में शेयर होता है। तो एक लौता जो है वो कौन सा है? मिचिगन है। कौन सा? मिचिगन लेक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो, अब इसी एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और लोकेशंस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ पठार देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ शील्ड का एरिया मिलेगा, कुछ माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे जब हमारा डिटेल में ये वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी इसका दूसरा नाम मैं ना बता रही, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि यूएसए मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसका जो नया नाम है वो स्टार्ट होता है डी से। अरे अब तो आंसर कर लेना। चले अच्छा, तो ये जो माउंट मैकेंजी है ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, और ये ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको अलास्का के अंदर मिलेगी, और इसी जगह पे आपको एक्टिव वॉल्केनो भी देखने को मिलेगा। अच्छा कई बार सवाल ये आता है कि जो अलास्का की लोकेशन है क्या वहाँ पे वॉल्केनोज हैं? जी हाँ, वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज आपको मिलते हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या आती है, वो ये है कि जब हम आएंगे मैपिंग के पार्ट पे तो एक बारी से आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो रिवर के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो मैकेंजी रिवर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। दूसरी रिवर जो है कोलंबिया रिवर, तीसरी कोलोरेडो हो गई, चौथी यहाँ पर आपको रियो ग्रैंडी मिलेगी, इसी जगह पे आपको मिसिसिपी, इसी जगह पे आपको मिसौरी रिवर मिलेगी। ये देख सकते हो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, ये इधर की साइड पे ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये रही सेंट लॉरेंस, यहाँ पे आपको मिलेगी चर्चिल, और इस जगह पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है स्नेक रिवर। ठीक है,
तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं वो यहाँ पे दो रिवर्स हैं। अच्छा, कौन सी वाली वो दो रिवर्स हैं जरा उनके बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो समझना, ये जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, इस लोकेशन के हिसाब से जो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर आप देख रहे हो है ना, इनका एक डेल्टा बनता है, और ये जो डेल्टा होता है ये बर्ड फुट टाइप का होता है। दैट मीन्स इसका जो पूरा शेप होता है चिड़िया के पैर के आकार का होता है। एंड ये स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसी कौन सी रिवर्स हैं अमेरिका के अंदर जिनका जो डेल्टा बनता है वो यहाँ पे कैसा होता है, बर्ड फुट टाइप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी एंड मिसौरी। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है रिवर रियो ग्रैंडी के बारे में। क्या सवाल आता है, रिवर रियो ग्रैंडी जो है ये एक बॉर्डर बनाती है, दो देशों को डिवाइड कर रही है। कौन से दो देश हो जाएंगे, यूएसए एंड मैक्सिको को ये डिवाइड करती है। तो ये दो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसी जगह पर, ये जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह पे आपको एपलांशे माउंटेन देखने को मिलेगा, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रॉकी माउंटेन देखने को मिलेगा। ये दोनों माउंटेन्स आपके पेपर में छप के आते हैं, तो प्लीज़ इनके लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, रिवर्स के नाम देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो इम्पॉर्टेंट है उनको ही आपको याद रखना है। एंड इनके साथ में, इनमें से जब आप पढ़ोगे कोलोराडो और कोलंबिया, इन दोनों के ऊपर डैम भी आपको मिलेंगे, जैसे कि हूवर डैम हो गया, ग्रैंड कुरी डैम हो गया, इनके ऊपर सवाल बनते हैं। तो जब रिवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको मिलेगा। अच्छा, लेक्स की बात करें, लेक्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आपको ग्रेट लेक्स तो मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ में पूछा गया सवाल एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर इस बार पूछा गया सवाल, और दैट्स इट, बाकी पांच तो मैंने आपको बता ही दिए। तो ये पांच और प्लस दो कितना हो गया, सात। कल से मैथ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और जब हम लेक सुपीरियर की बात करेंगे तो आपको मालूम ही है दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, बट ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे फ्रेश वाटर शब्द नहीं लिखा है तो आप आंसर मार्क करेंगे कैस्पियन सी, क्योंकि दैट कैस्पियन सी भी क्या है, वो भी एक लेक है, और आपको क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आंसर को मार्क करना पड़ेगा। इन केस आपसे सवाल में पूछा गया नॉर्मल लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो आप आंसर क्या करोगे, इस केस में आप आंसर करके आओगे क्या, कैस्पियन सी, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आप आंसर क्या करोगे, उस कंडीशन पे आप लेक सुपीरियर मार्क करके आओगे, फाइन। अगर तुमसे कहा जाता है डीपेस्ट लेक, तो आप लेक बैकाल मार्क करके आएंगे, और ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में तुमको बता रहे हैं। इनकेस इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो इंडिया के रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, वुलर लेक हो जाएगा, और फ्रेश वाटर पूछा जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इंडिया के ही रिस्पेक्ट में अगर आपसे कहा जाए नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो तुम आंसर करोगे लोकटक। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कई बार एग्जामिनर खेल जाता है। और अगर मुझसे गलती से कह दिया जाएगा कि पेपर बनाओ, सपोज करो कि मुझसे तुमने कभी कहा कि मैम एक टेस्ट ले लो, एक पेपर बना दो, तो ये ध्यान रखना खतरनाक, इन्हीं में से हम कोई पॉइंट उठा के तुम्हारे लिए मोल्ड कर देंगे, ये तो आप जानते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स बता दिए। अच्छा, इसके बाद और क्या है, वाटरफॉल। अब देखो, अफ्रीका के अंदर हमने जो वाटरफॉल पढ़ी थी उसका नाम था विक्टोरिया वाटरफॉल। सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से छापो कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो थी वो कौन सी रिवर के ऊपर थी, आंसर करिएगा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची वाटरफॉल है दैट इज़ एंजल वाटरफॉल, ठीक है। सेकेंड नंबर पर कौन सी आती है, नाइगेरा वाटरफॉल आती है, ईजी वन। अब एंजल वाटरफॉल जो है वो आपको मिलेगी वेनेजुएला में, एंड वेनेजुएला कहाँ पर है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे नाइगेरा वाटरफॉल की बात करेंगे तो ये दो लेक्स के बीच में है, एरी एंड ऑन्टेरियो। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनडीए एंड सीडीएस, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल यहाँ से क्या बनेगा, आपसे पूछा जाता है ब्राइडल वेल वाटरफॉल के बारे में। देखो, आया तो सवाल अब तक सिर्फ दो बार है, ठीक है, बट यू नेवर नो, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी यहाँ पे आपको कोई वाटरफॉल देखने को मिलता है, जब इसके ऊपर हम लोग डिटेल में जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे प्लेट्यू भी आपको मिलता है जहाँ से एक रिवर निकलती है, और इस रिवर का नाम क्या है, कोलोराडो। कोलोराडो प्लेट्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही मिलेगा। अगला, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा,
अब फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये क्या करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ में जोड़ने का काम करती है, इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रैंड बैंक। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यू फाउंडलैंड है। यूजुअली पूछा जाता है कि ग्रैंड बैंक जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, या आपसे बे ऑफ फंडी के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने रेगुलरली मेरे क्लासेस देखे हैं और आप अगर न्यू स्टूडेंट नहीं हो तो आपने कई बार सुना होगा मुझसे कि पूरी दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जिसको सबसे बेस्ट फिशिंग जोन माना जाता है, तो वो बेस्ट फिशिंग जोन कौन सा हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पे आपको बे ऑफ फंडी की लोकेशन देखने को मिलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे ही मिलेगी, ठीक है। चलो अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं, क्यूबा। ओहो, आज सुबह ही पढ़ाया था, सबसे पहली कंट्री बन गई है जो क्या करने वाली है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। क्यूबा, इसे बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, और आपको ये मालूम होना चाहिए दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन, गन्ने की खेती सबसे ज्यादा आपको यहीं से मिलेगी। अगला लिखा हुआ है जमैका। सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बिना सवाल पूछे तो हम जाने वाले हैं ना, ठीक है। सुनो, जमैका के ऊपर जब भी सवाल बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड या कोई मिस तो थी जो जमैका से बिलोंग करती थी लास्ट ईयर वाली, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। नाम बताएं? नहीं, नाम नहीं बता रहे, नाम बता देंगे पता कर लोगे। चलो, यहाँ पे क्या होता है, बनाना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कुछ फैक्ट हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यहाँ से सवाल बनता है एस्किमो के बारे में। एस्किमो कहाँ पे मिलेगा, अलास्का वाला एरिया हो गया, या कनाडा का टॉप वाला जो एरिया है वो हो गया, या फिर ग्रीनलैंड का एरिया हो गया, यहाँ सब पे आपको क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर एस्किमोस की लोकेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम US की बात करेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ एरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे एरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रशिया, कनाडा, चाइना, उसके बाद में USA वो कंट्री है जो यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखोगे तो थर्ड हो गया, अगर USA कंट्री के हिसाब से देखोगे तो फोर्थ कंट्री हो गई, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने, 50 है। सबसे बड़ा कौन सा है, हवाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिसिसिपी वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज मिलती हैं। इसी के साथ में डेट्रॉइट, ये वो जगह है जहाँ पे कार्स को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब भी आपसे कोई कहे कि जापान का डेट्रॉइट किसे बोला जाता है, तो नगोया नाम की जगह है जिसको डेट्रॉइट ऑफ द जापान के नाम से जाना जाता है। तो डेट्रॉइट क्या है, एक शहर है, कहाँ पर, USA के अंदर। अगला, एक्रॉन क्या है, बिगेस्ट सेंटर है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है टायर्स को एंड सिंथेटिक रबर को, ये दोनों के दोनों यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। अगला, ये तो समझ ही गए होगे, समझ गए, बताना पड़ेगा। सिलिकॉन वैली की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है, बिकॉज दिस इज अ कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला देखो, स्पेशल नेशनल पार्क अगर तुमसे पूछा जाए तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ये बताओ कि म्यूजियम कौन सा है, तो यहाँ पे अमेरिकन म्यूजियम ऑफ द नेशनल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट म्यूजियम। कनाडा की बात करोगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में रशिया के बाद, अभी आपने इसको देखा, और मैंने आपको ये पॉइंट भी बता दिया है कि नॉर्थ अमेरिका की जो लोकेशन है वो दोनों ओशियंस के बीच में, पैसिफिक एंड अटलांटिक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपने इसको अपने मैप के जहाँ पे भी आप मैपिंग कर रहे हो या फिर अपनी एटलस में मार्क कर लिया होगा। अब आ जाते हैं क्लास को एंड करने के टाइम पर, लेकिन एक बार इसे सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई, जितने भी बच्चे ऐसे हैं, जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो UPSC, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक मौका है कि आपको क्या करना है। अगर आप ये इस किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हो, एनी बैच, तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास में 15% ऑफ है। मैम कैसे, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल SSC के बैच की जो फ़ी है वो मान लो इतनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको 15% ऑफ ऑलरेडी कर दिया गया है, यानी कि इसका 15% मान लो कितना भी हो गया, गणित तो मेरी जानते ही हो कितनी अच्छी है ना, तो मान लीजिए 5000 समथिंग अमाउंट हो गया।
अब 5000 समथिंग जो अमाउंट हुआ है उसके ऊपर तुम लगाओगे कोड दैट इज कृति 10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% ऑफ जैसे कि पहले मिलता था। तो जो एक्चुअल मनी है, जो प्राइस है किसी भी बैच का, चाहे वो यूपीएससी की बात करो, यानी कि 45,000 रुपीज़ अगर यूपीएससी का बैच है तो उसके ऊपर 15% कम हो गया है। बैंकिंग का जो बैच है अगर वो 7,000 का है तो उसके ऊपर 15% कम हो गया है। कोड वाला प्राइस अलग है, कोड के साथ में जो तुमको 10% ऑफ मिल रहा था वो मिलेगा, वो कहीं नहीं गया, प्राइस कम हो गए भाई। और ये सिर्फ कल तक के लिए है, तो इसको भूल मत जाइएगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, टाइमली ज्वाइन कर लीजिए। हर वेडनेसडे को आपका बैच स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपके सामने आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगा फॉर एनी एग्जामिनेशन, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM पे, जहाँ पे होता है आपका डेली करेंट अफेयर्स इसी पर्टिकुलर चैनल पे, तो प्लीज़ जुड़ना मत भूला करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।